नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डालते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों पर। निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। हरदेव सिंह की शुक्रवार को कनाडा में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बाबा हरदेव सिंह की अंतिम यात्रा निरंकारी मिशन के मुख्यालय से शुरू हुई और यह निगम बोध घाट पर जाकर पूरी हुई। उनके अंतिम दर्शन के लिए देश विदेश से उनके लाखों भक्त दिल्ली पहुंचे हैं। इस बाबत ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में रिंग रोड, मॉल रोड, चंदगी राम अखाड़े और कश्मीरी गेट बस स्टैंड के पास आज जाम की स्थिति बनी रह सकती है। परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता का अब तक विरोध करते आ रहे चीन ने कहा है कि वह भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा है। ड्रैगन ने कहा है कि वह समूह के 48 देशों समेत भारत के साथ मिलकर इस मसले का हल निकालना चाहता है। एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने के सवाल पर चीन की उप विदेश मंत्री लियू जैनमिन ने कहा कि यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि समूह की सदस्यता का मुद्दा नया नहीं है और यह कई सालों से चल रहा है। जैनमिन ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एनपीटी सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि आप्रवास संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश ही एनएसजी के सदस्य होने चाहिए। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजने पर नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान ने कहा है कि नेताजी पार्टी के मालिक है, वह जो चाहे फैसला ले सकते हैं। रामपुर में रेलवे स्टेशन पर आजम खान ने कहा कि वह नेताजी के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक इस मामले को मैं समझता हूं कि एक दुखद प्रकरण है, लेकिन नेताजी पार्टी के मालिक हैं, लिहाजा मालिक के फैसले के आगे किसी का कोई अधिकार नहीं बनता है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए से क्लीन चिट मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह बुधवार को सिंहस्थ कुंभ में स्नान के लिए उज्जैन जाएंगी। साध्वी प्रज्ञा ने कुंभ में जाने के लिए जेल में ही अनशन शुरू किया था। आखिरकार उनकी जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट ने सिंहस्थ कुंभ में जाने की इजाजत दी है। हालांकि जेल प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा बल न होने का हवाला दिया था। 15 साल बाद राष्ट्रीय महिला नीति संशोधित होगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मसौदे में महिलाओं का साइबर क्राइम से बचाव, सरोगेट मां को सुरक्षा, परिवार नियोजन, नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता लाने सहित उभरती हुई चुनौतियों से निपटने की बात कही गई है। उन्होंने मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुकुंदपुर मजलिस पार्क ऑटोमिक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में नायडू और केजरीवाल ने जोर दिया कि मेट्रो शहर में यातायात और प्रदूषण संबंधी चिंताओं का बेहतर जवाब है। बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन को दिसंबर 2016 में चलाने की तैयारी है। हालांकि शुरुआत में ट्रेन में एहतियात के तौर पर ड्राइवर भी रहेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक रहने पर ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।